रूस यूक्रेन युद्ध में पर्दे के पीछे से ईरान ने पुतिन को अपने हजारों घातक कामिकेज ड्रोन सप्लाई किए थे और इन ड्रोन्स ने यूक्रेन में क्या तबाही मचाई है ये पूरी दुनिया ने देखा है। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हुए हमले में ईरान की क्या भूमिका है ये भी सामने आ चुका है। ईरान ने न सिर्फ हमास को ट्रेनिंग दी बल्कि इसराइल पर कब और कैसे हमला करना है इसकी पूरी पटकथा तक ईरान ने लिख डाली और ईरान मिडिल ईस्ट में इसराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की आग भड़का रहा है। लेकिन अब ईरान इससे कदम आगे निकल गया है जो किसी भी सूरत में अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए ठीक नहीं हो सकता। दरअसल ईरान पिछले कई सालों से परमाणु हथियार बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है और अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने अमेरिका और ब्रिटेन के कान खड़े कर दिए हैं। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन को पता चला है कि रूस ने ईरान को खुफिया परमाणु जानकारी दे दी है और इसके बदले में उसे ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलें मिली हैं। और ये सब ऐसे समय में हुआ है जब ईरान लगातार अपने यूरेनियम इनरिचमेंट बढ़ाने में लगा हुआ है। दरअसल अमेरिका के वॉशिंगटन में राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर ने एक मुलाकात की और इस मुलाकात में दोनों ने इस बात को माना है कि रूस और ईरान के सैन्य रिश्ते बेहद ही मजबूत हुए हैं। वहीं ब्रिटेन के सूत्रों ने यह इशारा दिया है कि ईरान ने रूस के साथ परमाणु तकनीक का सौदा किया है जो बेहद ही चिंताजनक है। इसी कड़ी में पिछले हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लंदन का दौरा किया था जिसके बाद अमेरिका ने यह खुलासा कर दिया कि ईरान ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें दी हैं। ब्लिंकन ने इस दौरान कहा था कि रूस अपनी ओर से वह तकनीक साझा कर रहा है जो ईरान मांग रहा है। ये दो तरफा रास्ता है जिसमें परमाणु मुद्दों के साथ साथ कुछ अंतरिक्ष संबंधी जानकारी भी शामिल है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ब्रिटेन फ्रांस और जर्मनी ने एक साथ चेतावनी दी थी कि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट को लगातार बढ़ा रहा है। वो ऐसा परमाणु बम बनाने के लिए कर रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ईरान कैसे परमाणु हथियार बनाएगा, लेकिन रूस के साथ काम करके या रूस के विशेषज्ञों की मदद से ईरान अपने परमाणु बम की मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को और ज्यादा तेज कर सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि ईरान ने अभी तक ये कबूल नहीं किया है कि वो परमाणु हथियार बनाने के लिए अपना यूरेनियम इनरिचमेंट बढ़ा रहा है। ईरान का यूरेनियम इनरिचमेंट 60 प्योरिटी तक पहुँच चुका है।